एसोसिएशन माइनिंग एसोसिएशन रूल फाइंडिंग और जो हमारे पास पैटर्न्स हैं उनमें एसोसिएशन फाइंड आउट करना इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट इन डेटा माइनिंग अब वैका इसमें हमें कैसे हेल्प आउट करता है उसके लिए जो हमारे पास वर्किंग कैपेबिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन इन एसोसिएशन की मदद से हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट डाटा सेट्स मौजूद हैं या डाटा में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनमें कौन सी एसोसिएशन मौजूद हैं इसके लिए जो वैकअ में टैब मौजूद है दैट इज़ अंडर द हेडिंग ऑफ एसोसिएशन आप उस पर क्लिक करते हैं और फिर उसके डिटेल में आप ये देखते हैं कि डाटा ऑब्जेक्ट्स में एसोसिएशन को कैसे फाइंड आउट करना है इस मॉड्यूल में इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा लेट से ये हमारे पास एक डाटा मौजूद है जिसके अंदर रिलेशन का नाम है वोट और इसके, इसके इंस्टेंसेस हैं फोर थ्री फाइव अब टू थर्टी सिक्स इंस्टेंसिस हैं जो वोट नहीं दे सकते और वन एटी सेवन है जो दे सकते हैं और फिर उनके अंदर डिटेल है हमारे पास कुछ इस किस्म की अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जैसे लेट्स से के हैंडीकैप इन्फेंट्स वाटर प्रोजेक्ट कॉस्ट शेयरिंग एडोप्टशन ऑफ द बजट रेजोल्यूशन इनमें आपस में रिलेशनशिप के एग्जिस्ट करता है इसके लिए जब हम मूव ऑन करते हैं तो हम करते क्या कहें कि हमने एसोसिएशन के ऊपर क्लिक किया एसोसिएशन को ओपन किया और फिर इसके आउटपुट के लिए जब हम गए तो हमने स्टार्ट किया इसे और इसने हमें कुछ इस तरह की एसोसिएशन दिखाई और एसोसिएशन क्या है एसोसिएशन हमारे पास ऐसे है कि जैसे लेट से पहले हमारी वैल्यू थी एडॉप्टेशन ऑफ बजट रेजोल्यूशन इज इक्वल टू वाई और फ्री फी फ्रीजन फ्रीज इज इज इक्वल इक्वल टू टू एन और फिर इसने यहाँ पे एसोसिएशन दिखानी शुरू की कि इन दोनों में क्या लिंक बन रहा है आपस में वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है लेट से इसको हम एक एग्जाम्पल के लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं इसको मैं रब करता हूँ और मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल उठा लेता हूँ ये वाली जो फाइव नंबर लाइन है ये क्या बता रही है ये बता रही है कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है फिजिशियन फी फ्रीज और उसकी वैल्यू नो no, और इसके इंस्टेंसेस हैं 247 और ये क्लास जो है डेमोक्रेट है 245 अब ये दोनों बता रहे हैं कि इन दोनों में रिलेशन जो है वो कितना है और हमें कितना कॉन्फिडेंस है कि 0.99 जो यानी कि 100 परसेंट के करीब हमें कॉन्फिडेंस है कि इन दोनों में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इसी तरह लेट से कि अगर हम इससे नीचे मूव ऑन करें और अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास है ई एल्सलर एट एन नहीं है और टू और ये किसको एक्सट्रैक्ट कर रही है ए टू नाइक्रोजन कंट्रास्ट और इस दो सौ चार इंस्टेंसिस की वैल्यू है और ये कॉन्फिडेंस स्कोर बता रहा है जीरो पॉइंट नाइन एट तो इसका मतलब ये है अच्छा एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ये जो एसोसिएशन कर रही है इसकी थ्योरी पीछे क्या मौजूद है थ्योरेटिकल नॉलेज ये है कि यहाँ पे जो एसोसिएशन कर रहा है ये विद द हेल्प ऑफ ए प्रियोरी एल्गोरिथम कर रहा है अब ये प्रियोरी एल्गोरिथम कहाँ से आ गया जब हमने एसोसिएशन रूल माइनिंग की थी तो हमने प्रियोरी एल्गोरिथम को थ्योरेटिकली देखा था के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमने जब एसोसिएशन फाइंड करने हैं तो उसका एक मेकानिज़म है ए प्रियोरी ऑलगेदम ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है तो आप कर क्या सकते हो सिंपल आप अपने डाटा सेट पर जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हों लेट्स आप ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही डाटा सेट उठाओ और उसके बाद देखो कि जो उसके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं अभी राइट डाउन कर देता हूँ आपने क्या करना है आपने ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा सेट उठाना है फिर आपने देखना है उसमें एट्रीब्यूट्स हैं एज जेंडर क्रेडिट रेटिंग स्टूडेंट आपने चार एट्रीब्यूट लेट से उठाने और फिर देखना है कि इन चारों में कौन से ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। इससे मुराद क्या है कि कब एक बंदा जो है वो कंप्यूटर बाय करता है और किसके बेस पे कि लेट्स से कि उसकी थर्टी प्लस एज है और वो स्टूडेंट है या नहीं तो कौन सी बाइंडिंग जो है वो स्ट्रांग है थर्टी प्लस और स्टूडेंट होना या थर्टी प्लस और स्टूडेंट ना होना तो कंप्यूटर बाय करने के लिए कौन सी एसोसिएशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है विद दिस कोड या वैकॉ को यूज़ करते हुए आल एक्ट्रॉन्स के डाटा को लेकर ये आपने फाइंड आउट करके देखना है कि क्या ये वर्किंग सिस्टम बनता है